दोस्तों, आपने ये तो सुन ही लिया होगा कि आज हमने अपने देश के 13वें पूर्व राष्ट्रपति के निधन में पूरा देश शोकमग्न है और शोक में डूबा हुआ है। हम भी उस शोक में डूबे हुए, पर उस राष्ट्रपति पद की गरिमा और उसका सम्मान श्री प्रणब मुखर्जी ने बखूबी निभाया, तो हम उनके जीवन के अनुभव से कुछ न कुछ सीखते हैं। तो हम आपके लिए कुछ ऐसे अनुभव लेकर आए हैं जो अनसुने हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि उनके अनसुने जीवन से हम क्या देख सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। श्री प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ। उनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी और उनकी माता का नाम राजलक्ष्मी था। उनके बचपन का नाम पोल्टू था। पोल्टू श्री प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक विज्ञान एवं इतिहास में एमए किया। इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से एलएलबी की और बीरभूम जिले के एक कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर नौकरी कर ली। जिस समय प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ था, उस समय देश दो चुनौतियों से जूझ रहा था, एक बंगाल विभाजन और देश की गुलामी। और ऐसे ही क्षणों में प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ था। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1969 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए, और किस पार्टी की तरफ से? कांग्रेस पार्टी की तरफ से। प्रणब मुखर्जी ने एक बार अपने इंटरव्यू में एक कहा था कि उन्हें सुबह बगीचे में सैर करना बहुत पसंद है, लेकिन तालकटोरा रोड स्थित अपने छोटे से आवास में उन्हें इसके लिए जगह कम लगती थी। उम्मीद है कि राष्ट्रपति भवन में उन्हें अगले 5 साल तक सैर के लिए जगह की कमी महसूस नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। श्री प्रणब मुखर्जी का विवाह सुभ्रा के साथ 13 जुलाई 1957 को हुआ। उनका मायका बांग्लादेश में है। अभी भी उनके एक छोटे भाई वहां रहते हैं। सुभ्रा का परिवार भारत विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल में आकर बसा। प्रणब मुखर्जी की 3 संतानें थीं। प्रणब मुखर्जी की 3 संतानें हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम अभिजीत है, छोटे बेटे का नाम इंद्रजीत है और उनकी 1 पुत्री जिनका शुभ नाम शर्मिष्ठा है। एक बार श्री प्रणब मुखर्जी की बड़ी बहन अन्नपूर्णा बनर्जी ने यह कहा था कि उनकी भविष्यवाणी अब सफल हुई जब उन्होंने कहा था कि प्रणब मुखर्जी एक दिन राष्ट्रपति बनेंगे। उस समय 1969 में प्रणब राज्यसभा सदस्य थे, साउथ एवेन्यू सांसद फ्लैट में रहते थे। यह पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिनके पास सक्रिय राजनीति का इतना लंबा अनुभव है, लगभग 40 सालों का। प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल से बनने वाले पहले वह व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के पद पर गए। पश्चिम बंगाल ने बहुत बड़े बड़े सूरवीर दिए हैं, पर राष्ट्रपति पद के तौर पर प्रणब मुखर्जी ने ही इस पद को पूरा किया है। श्री प्रणब मुखर्जी कभी नौकरी की तलाश में झोला बिस्तर लेकर हावड़ा के एक गांव ताजपुर के उधर घूमते थे, जहां उन्होंने एक बार शिक्षक के तौर पर कार्य किया था और उनको प्रतिमाह 72 रुपए की इनकम हुआ करती थी। आज प्रणब मुखर्जी जिस आवास में रहा करते थे, उस आवास में राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे, 70 करोड़ ईंटें, 30 लाख घन फुट पत्थर के बने थे और 340 कमरों में कुछ ना कुछ होता ही रहता था। जब ये बना था तब राष्ट्रपति भवन की कीमत 1,40,00,000 रुपए थी। आज तो राष्ट्रपति भवन की कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसे कीर्तिवान राष्ट्रपति हमें मिले हैं जिन्होंने इस भवन की कीर्ति को गुंजायमान किया और विश्व में प्रतिष्ठित भी किया है।
ऐसे महान आत्माओं को, ऐसे महान नेतृत्व राष्ट्रकर्ताओं को हमारा नमन। प्रणब मुखर्जी को 22 जुलाई 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित किया और उन्होंने 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। पहली बार जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उन्होंने कुछ शब्द बोले, उम्मीदों से ज्यादा बड़ी है मेरी जीत, जिन लोगों ने पिछले 5 दशक के दौरान मेरा साथ दिया उन सभी को शुक्रिया, देश की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आखिर में हम, आप और राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक आज शोक में मग्न है। हमने उनके जीवन के अनुभव तो सीखे और आज हमें उनसे सीखना ही पड़ेगा। भले ही आज उनका शरीर हमारे साथ ना हो, पर उनकी आत्मा जरूर पूरे राष्ट्र के अंदर है और सभी के दिलों में बसी हुई है। आज हम भले ही शोक में मग्न हो, पर हम एक ऐसे राष्ट्रपति के जीवन से, हम ऐसे कीर्तिवान पुरुष के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए वो सब कुछ किया जो वह कर सकते थे। और हमें भी उनसे यही सीखना चाहिए कि हम जो राष्ट्र के लिए कर सकते हैं हम वो करेंगे। जय हिंद, जय राष्ट्र और जय भारत।